नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के YouTube चैनल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत के बाद पुलिस द्वारा डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। आज डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर नवजात बच्चे के परिजनों द्वारा फिरोजपुर रोड पर स्थित पुल पर जाम लगाया गया। पुल को जाम करके दोनों तरफ ट्रैफिक जाम कर दिया गया। मौके पर पहुंचे थाना सिटी के SHO नवदीप सिंह द्वारा इन्हें समझाया गया, जिसके बाद यह धरना यहां से उठवा दिया गया। जिसके से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों द्वारा यहां पर धरना दिया गया है। आपको बता दें, फाजिलका के बान बाजार में स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों द्वारा अपना रोष जताते हुए अस्पताल के बाहर धरना लगा दिया गया था। अस्पताल के बाहर धरना लगाने के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। आज डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नवजात बच्चे के परिजनों द्वारा फिरोजपुर रोड स्थित पुल पर धरना लगाया गया। यहां पर पुल को जाम कर दिया गया, ट्रैफिक जाम अपना रोष जताया गया। इस मौके पर थाना सिटी के SHO नवदीप सिंह द्वारा इन्हें समझा बुझाकर धरना यहां से उठाया गया। डॉक्टर की गिरफ्तारी का आश्वासन भी SHO द्वारा दिया गया। जिसके से गांव शतीर वाला निवासी मृतक नवजात बच्चे के परिजनों द्वारा यहां पर धरना लगाकर अपना रोष जताया जा रहा है। डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। लगाया गया, कोई पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उन्होंने अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों फिर उन्होंने सारे जी पैसे चढ़ गया पुलिस प्रशासन सारे सानू हम जबरदस्ती कहें भी राजीनामा कराया जाए। सानू फोन कह रहे जबरदस्ती राजीनामा कराया जाए, फोन बड़े आ रहे हैं जी। विचू बंद पाया गया जेडे है जी, इन्हों के जड़े आए हैं जी, वह कहते आके आप बैठ के मसला हल कर सकते हैं। पर मैं कहना मैं कोई मसला हल नहीं करना जी, पर मेरे जोड़े बच्चे का मौत का कारण बने जी, उन्होंने सजा दवानी है जी। क्यों जो मेरे नाल होया है कल किसी होर भरा ना हो, क्योंकि इस हॉस्पिटल को यह हॉस्पिटलों तो बचना चाहिए, क्योंकि जोड़ा अच्छ मेरा नुकसान आया है किसी होर भरा भी हो सकता है। इस करके मैं अच्छ कहना कि उस जोड़ा हॉस्पिटल है उन्होंने बंद किया जाए, उनकी जी डिग्री है। तुम SHO साहब न मिले थी धरना देने तो पहला? हाँ जी। की कहें जी? फिर वो कहें जी अभी दो बार रेट ला के आए हैं जी, सानू तो पता नहीं क्या मिले नहीं जी, क्योंकि जो दो बार जाके आए वो किधर चले गए, कहेंगे तो फाइल कहती है जी, वो बस एवं जा कर खाना पूरी जा रहे हैं जी। उन्होंने तो बंदे को पता नहीं लगता भी कितने बैठा है जी, वो बस वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। जी गल कर रही पुलिस ने की है 304 लाया कि वह संतुष्ट नहीं हो? 304 का ही मुख्य हैगी धारा हैगी है, इन जगह भी दुर्घटना अचानक जी, अचानक नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि डॉक्टर साहब लेडीज डॉक्टर दे हॉस्पिटल जो मैं मिसी जी लै गया, उन्होंने पता भी पेशेंट मेरे हॉस्पिटल च गया भी वह मेरे तो बिना डिलीवरी नहीं हो सकती, मेरा स्टाफ अनजाण है। फिर भी इसके बावजूद भी उसको फोन करने के बावजूद भी 3-4 बार वो नहीं आई, इस तो स्पष्ट होता है भी उन्हें मौत का कारण वो ही हैगी है मेरे बच्चे का भी वो ना पहुंचने करके मौत हुई है जी। हुण की मांग कर रहे हो तुसीं? मैं मांग कर रहा भी उन्होंने सख्त धारा लाई जाए, अंदर किया जाए। हुण इह धरना चकदा है तुसीं कि किवें की तुहाडा साहब? SHO साहब ने अगर बैठ के गल करना है उन्होंने नाल असीं मतलब संतुष्ट हो गए हैं भी SHO साहब ने बह के असीं गल करने भी जिहड़ी उन्हें सख्त धारा की जाए भरोसे भी जा रहे हैं गलबात करन, जे ओ नहीं इस दा हल करदे तां कल नूं असीं फिर इस तों वड्डा जाम करांगे। असीं तां इसे तरह जी जिन्ना चिर सानूं कोई हक नहीं मिलदा असीं रोड जाम करदे रहांगे जी। इन्हों के कहन मुताबक इन्हों न्यू बॉर्न इनफेंट सी बेबी वो डैथ हुई, जिदे करके असी कल 304 का परचा दिता है। कानून अनुसार जिहड़ी मेडिकल नैगलीजेंस की धारा बनती है वो अनुसार असी परचा दिता है। इन्हों किसी ने मिसगाइड करता है भी इन्हों की धारा गलत लगी है, इन्होंने धरना लाया, पर मेरे कहने से इन्होंने अंडरस्टैंड किया, मेरी गल समझ गए हैं एंड इन्होंने धरना चक लिया। एवरीथिंग वॉज पीसफुल एंड ठीक है जी। हम
पर सियाने लोग ने मेरी गल समझ गए नहीं दिया है कोई साढ़े वालों यह कोई गलबात नहीं है इन्होंने पब्लिक के तौर पर कोई गल कर रहा हो बारे पता नहीं अगला प्रोसैस की हो रहा सर उन्होंने परचा दर्ज किया होया जी वो फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन जाऊगा वो कार्रवाई होगी अगर कोई नवी चीज़ देखने जाऊगी तो जो धारा बनती होगी वो बतावे जी अच्छे बच्चे की डैथ तो कल की हुई हुई है जी अज का पोस्टमार्टम करवाना है उन्होंने क्योंकि बच्चे इनफेंट हों जो पोस्टमार्टम फरीदकोट हों बोर्ड वालों किया जाता है सो अज असी बॉडी को उसे भेज रहे हैं।